इस टाइप की स्टेटस वीडियो अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा वीडियो ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक 16 सेकंड का इंटर वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको यहाँ पे टोटल 4 फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने इंटर वीडियो एंड यहाँ पे 4 फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद फोटो वाला ऑप्शन जाना है एंड जितना भी फोटो है सब फोटो का जो रेशियो सबसे पहले 9:16 में सेट करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्टिंग मिलेगा कन्वर्स वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड नीचे मिलेगा बहुत सारा रेशियो, थोड़ा सा स्लाइड करके 9:16 वाला रेशियो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 कर लेने, फोटो को सेट कर लेने कुछ इस तरह से। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है एंड सेम आपको सब फोटो को इस तरह से एडजस्ट कर लेने, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेने। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो यहाँ पे मिलेगा म्यूजिक वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस के ऊपर क्लिक करना है। माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरे जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉन्ग को ऐड कर लेने। सॉन्ग ऐड करने के बाद अब क्या करना, फोटो में आ जाने कुछ इस तरह से। फर्स्ट वाला फोटो में क्लिक करना है एंड आपको सब फोटो को आपको हल्का सा एडजस्टमेंट कर लेना है। अब तो यहाँ पे मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एडजस्ट वाला ऑप्शन जाना है। सबसे पहले लाइटनेस को हल्का सा घटा लेने कुछ इस तरह से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेने, सैचुरेशन को भी यहाँ से बढ़ा लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे मिलेगा विग्नेट वाला ऑप्शन, इसको एकदम 100 कर लेने एंड यहाँ पे शार्पन को करना है 50, ठीक है। इस तरह से कर लेने। उसके बाद यहाँ पे डबल टिक वाला एरो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस करना है। तो सब फोटो देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो को आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। बस आपको फोटो को कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है एंड अब यहाँ पे जितना भी फोटो है सब फोटो का ड्यूरेशन सेट करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे मिलेगा ड्यूरेशन ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकन में जाना है एंड जितना भी फोटो है सब फोटो का ड्यूरेशन रखना है 1 सेकंड में। तो आपको 1 सेकंड क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके डबल टिक वाला एरो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस करना है। तो जितना भी फोटो है सब फोटो का ड्यूरेशन 1 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना, फोटो में एनिमेशन ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पे मिलेगा एनिमेशन वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। कॉम्बो वाला ऑप्शन जाना है एंड जितने भी फोटो है सब फोटो में ये कर्व आउट वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है, ठीक है, जितना भी फोटो है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो में एनिमेशन भी ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो गाइस फाइनली मेरा वीडियो यहाँ पे इंट्रो के जैसा कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, व्हाइट इफेक्ट। तो व्हाइट इफेक्ट ऐड करने के लिए स्टार्टिंग वाला फोटो में आ जाना है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे मिलेगा बीट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे मिलेगा व्हाइट इफेक्ट, इसको ऐड कर लेना है। इस तरह को एकदम हाई एंड इंटरवल को भी एकदम हाई कर लेना है एंड यहाँ पे करना है डन, ठीक है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है, इफेक्ट के ड्यूरेशन को इस तरह से घटा लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ओके। एंड इसी का आपको डुप्लीकेट कर लेना है एंड आगे वाला फोटो में इस तरह से ऐड करते जाना है, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। एंड अब क्या करना है, इस वीडियो को करना है सेव। सेव करने के लिए ऊपर मिलेगा सेव वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। फेवरेट है, इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरा जो वीडियो पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।